हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय भट्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, 10th फिजिक्स का 10th ही लेक्चर रहने वाला है। तो पिछली क्लास जो आपकी थी, उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की जो क्लास है, उसमें हम कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज की फॉर्मेशन कैसे बनती है, कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेज यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस जो था आपका, कन्वर्जिंग जो लेंस था, उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई आपकी क्लास की, 10th क्लास फिजिक्स की, तो उस प्लेलिस्ट को आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी विजिट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी इमेज फॉर्मेशन जो होगी कॉनकेव लेंस में, इस कॉनकेव लेंस का ही दूसरा नाम क्या है अपना, ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो हमारा कॉनवेक्स लेंस था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव लेंस के अंदर, उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके कोई दो बेसिक जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। रूल्स कह लीजिए, प्रॉपर्टी कहें जो है वो प्रॉपर्टी कह लीजिए। इसकी जो दो प्रॉपर्टी है या रूल्स हैं वो क्या है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है और इसके बीच में ये इसका ऑप्टिकल सेंटर दिया हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि जब भी कोई लाइन आपके इस ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जो है गुजरेगी, ठीक है, जो भी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो पास करेगी, वो अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी आपकी कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की, ये दोनों सेम है कि सेंटर जो था आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ, इससे कोई भी जो रे ऑफ लाइट निकलेगी तो वो अनडेविएटेड सीधी जो है वो गो थ्रू कर जाएगी और निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी सेकेंड है, सेकेंड में हमें क्या कहता है, यह आपका कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस का यह आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ। जब कोई रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लीजिए यह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है दो रे, ठीक है, जब ये इस पर आकर के टकराएंगी, इंसिडेंट होंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी प्रॉपर्टी कैसी थी, डाइवर्जिंग नेचर था इसका, हमारे कॉनकेव लेंस का, तो ये डाइवर्ज कर जाएंगी, ये यहाँ से आई और इस तरफ जो है ये चली गई। अब इनकी जो इमेज की फॉर्मेशन है वो हम कहाँ करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो यही होगी कि इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये जो रे है आप इसको इसी डायरेक्शन में जो है किसी पॉइंट पर मैच करवाना आपका जो डायग्राम है उसके अंदर, ठीक है, ताकि आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर आए।
ठीक है, वो रिफ्रैक्शन जो है आपका प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ जो है इसका आपने डायग्राम बनाना है। तो अब हमारे पास जो ये पॉइंट आया है निकल करके, ये जिस पर ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद आपकी जो ये रिफ्रैक्टेड रेज थी, इनको जब आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तब उसके बाद जो इस फॉर्मेशन के दौरान आपका जो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि आपकी ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल में तो बहुत दूर अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, बट हमें इमेज चाहिए तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्चुअली उसकी इमेज जो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं उनको बैकवर्ड जो प्रोड्यूस करके। तो जिस पॉइंट पर आकर के ये लाइंस मिलेंगी बैकवर्ड, इनको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस, ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेकंड फोकस भी कह सकते हैं। ये हमारा जो मेन फोकस जो होगा इस कॉनकेव लेंस के अंदर वो आपका यही होगा, तो इसको आप F2 नाम भी दे सकते हैं, F1 आपका इस तरफ रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी थी, इस फोकस के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि जब आपके पास कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो आई आकर के मेड इंसिडेंट हुई आपके लेंस के ऊपर, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज कर जाएंगी, बट आफ्टर बैकवर्ड प्रोड्यूस ऑफ डाइवर्जिंग रेज दे लुकिंग टू मीट एट ए पॉइंट विच इज नोन एज फोकस, या फिर यूं कहें जिस तरफ से आई है आपकी सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस बात को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रिंसिपल फोकस की जो है डेफिनेशन प्रॉपर वे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगी आपकी, उसको आप लिख सकते हैं, वन रेज ऑफ लाइट मेड इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोट डाइवर्ज, ठीक है, बट इफ द डाइवर्ज रे आर प्रोड्यूस इज बैकवर्ड देन दे लुक्स टू मीट एट पॉइंट एफ सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो आपको आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं और इसकी इमेज फॉर्मेशन जो है उसको देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो इसका केस है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़कर के आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी प्लेस पर रखा है तो उस केस में कैसी इमेज की फॉर्मेशन होगी, वो है फर्स्ट केस आपका, देखते हैं। मान लीजिए ये आपका लेंस है ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इस तरफ आपका फोकस है और ये आपका F2 और 2F2 है, ठीक है। ठीक है, इसकी जो आप मेजरमेंट लेंगे वो प्रॉपर लेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ 2 सेंटीमीटर का आप प्रॉपर डिस्टेंस जो है दोनों तरफ लेकर के चले, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट पर है बट इन्फिनिटी से छोड़ करके, तो इन्फिनिटी से आगे कहीं पर भी रखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा 2F से पीछे कहीं किसी पॉइंट पर, तो यहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट आई आकर के कहाँ इंसिडेंट हुई हमारी इस लेंस पर आकर के इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से वो कहाँ चली जाएगी आपकी रे ऑफ लाइट, वो आपकी जो है ये लेंस जो आप थोड़ा बड़ा कर लेना, ये ऊपर से नहीं निकलेगी, ठीक है, ये आपकी रे ऑफ लाइट जो थी वो यहां से निकल गई आफ्टर डाइवर्जिंग, ये इस तरफ चली गई और नेक्स्ट आपको क्योंकि हमें पता है 2 रेज चाहिए मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको आप ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकाल देंगे, ठीक है, ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकल जाएगी, बट हमारे पास जो है दोनों डाइवर्जिंग रेज आई है, एक इस तरफ जा रही है एक उस तरफ, तो मीट होने का कहीं पर भी कोई जो आपका चांस जो है वो नहीं बन रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस जो आपकी ये जो रे थी
इसको आप क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, या आपकी बैकवर्ड प्रोड्यूस हो गई, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्केल के साथ जो आप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। जब इसकी आप इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे तो कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, तो आपकी जो इमेज आई है वो किसके बीच में आई है, एफ टू और ओ जो ऑप्टिकल सेंटर था आपका उसके बीच में आई है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो भी वो इस दोनों के बीच में आएगी, यहाँ रखेंगे तो भी, और किसी भी इन्फिनिटी को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पर जब आप रखेंगे तो एफ टू और ओ जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में जो है उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इमेज के बारे में आप अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इमेज इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट जो चीज आप लिखेंगे इमेज के बारे में, इमेज कहाँ पर बनी है, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट, ये ए बी ऑब्जेक्ट था आपका, ये हमारा क्या था ए डैश बी डैश, ये इमेज की फॉर्मेशन हुई है। तो हमारा क्या आया कि सेम साइड होगी ऑब्जेक्ट की, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में हमारी इमेज जो है वो बनेगी। इस पर लिख लेंगे आप इमेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ये आ गया, नेक्स्ट आपकी है तो ये कैसी है आपकी, वर्चुअल इमेज है, इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी। नेक्स्ट आपकी क्या है, थर्ड वन, वो है हमारी कि इमेज सीधी बनी है या उल्टी बनी है, इमेज हमारी सीधी बनेगी, इरेक्ट इमेज होगी आपकी। और नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ, उसमें क्या है आपके पास, इसका साइज इस आपके ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा रहेगा क्योंकि आपको दिख रहा है, तो आपका साइज की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, डिमिनिश्ड, इसका साइज कैसा रहेगा आपका, डिमिनिश्ड साइज रहेगा। तो ये आपकी किसके बारे में थी, कॉनकेव लेंस में, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं पर भी रखा, ठीक, ये आपका फर्स्ट केस था। नेक्स्ट आपका क्या डिस्कस करेंगे कि जब आपकी इमेज, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर कहीं पर रखा है, इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो केस है उसको देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा है तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस आ गया। इस लेंस के अंदर यहां से आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपकी निकल रही है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, और इस तरफ कहीं पर आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर रखा था, यहां से इमेज आई तो कैसी आएंगी आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और जो हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेजेस हैं, तो अब हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये रे थी ये डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि हमारा कैसा लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे ही आपकी ये रे भी डाइवर्ज कर जाएगी। तो एक बार आप इन दो रेज के हिसाब से ही इनको बैकवर्ड जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ पर मिल रही है, किसी पॉइंट पर मिलाई। अब यहां से आप ये आपके ऐसे डाइवर्ज होंगी, तो इसमें हमने जो इनको जो बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है तो वो कहां पर मिल रही थी आपकी, फोकस पर, F2 पर, ये आपका क्या था, प्रिंसिपल फोकस था,
ये आपका F1, ये आपका 2F1, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस जो था आपका, इस पर आकर के मीट करेंगे तो हमारे पास जो इमेज की इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, कैसी होगी आपकी इमेज। इमेज हमारी वही फर्स्ट सेम थिंग है, फर्स्ट जो आपकी थी इंफॉर्मेशन, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है, ये आपकी क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। जब इमेज वर्चुअल होती है तो आपके पास, हमने पिछली क्लासेज जो थी मिरर की क्लास थी उसमें भी यही बात डिस्कस की थी, पिछली जो कॉन्वेक्स लेंस की जो बात थी उसमें जो क्लास में डिस्कशन किया था उसमें भी यही किया था कि जब आपकी इमेज वर्चुअल होगी तो इमेज जो है वो आपकी वो इरेक्ट आएगी। और लास्ट जो है इसका फोर्थ वन वो क्या है, वो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। डिमिनिश्ड कहें या हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे क्योंकि पॉइंट साइज पर इमेज जो है वो बनाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो आपका इन्फिनिटी पर जब रखा होगा तो ये फोकस पर आकर के मीट करेंगी, प्रिंसिपल फोकस पर आकर के अपने को अज्यूम करेंगे हम कि जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो रेज यहाँ मिलती हुई हमें दिखाई देंगी वर्चुअल रूप से। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा करके हमारे ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ जो है कॉनकेव लेंस की तरफ अगर किसी पॉइंट पर रखते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी इमेज की वो कहाँ होगी, आपके इस ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर, जो अपना लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और आपके F2 जो प्रिंसिपल फोकस था, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी इनकी इमेज की जो है वो फॉर्मेशन होगी। यानी कि सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा आपका उसी साइड में हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके जो है ये दो केस थे, किसके अंदर थे हमारे, ये कॉनकेव लेंस के अंदर मेन दो ही, यही दो केस हैं। जैसे हमारे पास कॉनवेक्स मिरर के अंदर दो केस थे, इन्फिनिटी पर और किसी फिक्स्ड पोजीशन पर की, ठीक है, इन्फिनिटी को छोड़ करके, वही सेम दो केस इसमें हैं, इन्फिनिटी पर और किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पर इन्फिनिटी को छोड़ करके। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका, ये मैंने कंपैरिजन करके लिख दिया है आपको, कॉनकेव लेंस में हमने क्या पढ़ा और कॉनवेक्स लेंस में हमने क्या पढ़ा। तो इमेज की फॉर्मेशन के बारे में एक आपका कंपैरिजन है ताकि आपको अच्छे से याद रहे और एक जगह आपको लिखा हुआ मिल जाए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि बाद में शायद आपको समझाने के लिए मैं कुछ मिटा दूँ इसलिए। तो देखते हैं अब हम कि हमारे पास क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस जब हमने प्रॉपर्टी जो थी आपकी उसके अकॉर्डिंग जब हमने फर्स्ट जो इमेज की फॉर्मेशन की थी वो क्या मान के चले, अगर हम कि हमने इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा वहाँ से अगर हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं तो वो कैसी आई थी आपकी, पॉइंट साइज आई थी, इन्वर्टेड आई थी और वो रियल में मीट कर, ठीक है, कहाँ पर आई थी आपकी, फोकस पर आई थी, जो आपका F2 था उस पर आई थी। नेक्स्ट जब हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको 2F1 से जो है पीछे कहीं किसी पॉइंट पर रखा तब आपका कहाँ क्या आया था, तब हमारी जो इमेज की जो फॉर्मेशन थी वो कहाँ हुई थी, F2 के बीच में हुई थी। 2F1 से पीछे आपका ऑब्जेक्ट था, F2 और 2F2 के बीच में आपकी इमेज की फॉर्मेशन हुई, कैसी आई, वो भी इन्वर्टेड रियल और वो क्या था उसका साइज, वो डिमिनिश्ड साइज की थी, ठीक है। तो ये दो केस आपके हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो था आपका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ये कब बना था, ये हमारी जब 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा था और 2F2 पर हमारी इमेज आई थी तो उसका सेम साइज था, इन्वर्टेड थी और वो आपकी कैसी थी, रियल इमेज थी। नेक्स्ट आपका क्या था कि जब हमने 2F1 और F1 के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट को रखा तब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हुई थी इमेज की वो क्या हुई थी, 2F2 के बाद में इमेज फॉर्म हुई थी, एनलार्ज थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी थी साइज के अंदर और आपका जो रियल में वो मीट कर रही थी और वो कैसी थी, उल्टी थी, इन्वर्टेड थी। नेक्स्ट आपकी क्या थी, हाईली एनलार्ज कब बनी थी, जब हमने F1 के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको रखा था तो वो कैसी हो गई थी, वो पैरेलल लाइंस जो आई थी, पैरेलल रेज हो गई थी, तो उस वजह से हाईली एनलार्ज मीट एट इन्फिनिटी हमने उसको माना था। तो ये आपका वो केस था। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट केस था कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर जो था आपका उसके बीच में जब हम इमेज को रख ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज क्या आई थी, एनलार्ज आई थी, वर्चुअल आई थी। तो जब वर्चुअल होगी तभी आपकी इमेज कैसी आई, वो इरेक्ट आई थी क्योंकि पीछे की साइड थी वो अपराइट जो है वो बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी थी।
तो ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थी। वहीं बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस के अंदर हमने दो केस पढ़े, दोनों के दोनों केसेस में वर्चुअल हमें इमेज मिली और वो इरेक्ट होती ही है और वो इरेक्ट हमें देखने को भी मिली। ठीक है, साइज उसका हमने डिमिनिश्ड मिला उसका, और किस साइड पर कहाँ पर उसकी इमेज की फॉर्मेशन हुई, उस सेम साइड जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में इमेज की फॉर्मेशन हुई। फर्स्ट केस क्या था आपका, जब इन्फिनिटी पर था तो फोकस पर आकर के सारी मीट होंगी, उस टाइम पर आपकी डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश्ड आपकी इमेज की फॉर्मेशन हुई थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पर रखते हैं तब भी वो आप सेम साइड आया था, और F1 वो F2 जो प्रिंसिपल फोकस था आपका और ऑप्टिकल सेंटर O, उन दोनों के बीच में कहीं पर भी वो इमेज लाई कर रही थी। ठीक है, तो ये केस थे आपके कॉनकेव लेंस के बारे में, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, इसके बेस पर क्वेश्चंस भी निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें अगली नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ तक इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स के पीछे के कोई लेक्चर छूटे हुए हैं तो वो प्लीज़ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके उनको देख सकते हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए, आपकी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप आपके लेक्चर्स को देख सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।